विषयों की चाह ना करने पर नहीं मिलते तो कौन चाहेगा। अरे जब बिना ही मांगे मिल रहे हैं, मांगने वाले को चक्रवर्ती का पद नहीं मिलता, मांगने वाले को इंद्र का पद नहीं मिलता, मांगने वाले को नहीं मिलता और दिगंबर मुनिराज नहीं चाहते हैं तो इंद्र का पद मिलता है, चक्रवर्ती का पद मिलता है, सौदर को क्या कहा सर्वार्थ सिद्धि मिलती है, नहीं चाहने वाले को मिलता है। घटा हुआ तो गणनानी को पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, अब बैठ करके मैंने दी सारा कर दिया चाबी। हाँ हाँ पंडित जी, अब दुनिया की कोई विषयों की अभिलाषा नहीं रह गई, एक छोटी सी अभिलाषा है सम्यक दर्शन हो जाए। कर्णानियों का गणित है सम्यक दर्शन चाहने से नहीं मिलता, तब कौन ऐसा होगा जो सम्यक दर्शन चाहे। ये तप हो गया, इच्छा उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि हमें मालूम है बिना इच्छा के मिलता है। बिन याचे बिन चिंतई धर्म सकल सुख देन, अब याचना कौन करेगा। बोला तीन चार घटा दी फटाफट, ऐसे करना नहीं पढ़ो भैया, इच्छाओं के निरोध के लिए पढ़ा, इच्छाओं के निरोध माने उत्पन्न ना हो इसके लिए पढ़ो। अपन क्या सोचते हैं, ठीक है भैया सब लोग त्याग कर रहे तो अपन भी ठीक है, आलू हम भी नहीं खाएंगे एक दिन। ऐसे नहीं, पहले तो स्वरूप समझ, स्वरूप स्वरूप समझने के बाद सचमुच तुझे इच्छा उत्पन्न, डायबिटीज का निर्णय हो जाने के बाद इच्छा नहीं उत्पन्न होती, क्या कहें निर्णय, इसका मतलब तीन नंबर बहुत निर्णय सच्ची समझ बहुत जरूरी है। तो तब करने से पहले आपकी भूमिका का तब समझ गए, आप बता दिए मैंने सारे में जल्दी जल्दी, आपकी भूमिका में भी तप है, देरानी जिठानी की बुराई करने की इच्छा ही उत्पन्न नहीं हो रही है, क्यों नहीं होगी जी खुद सोचो, और यदि हो रही हो तो लिखो आज मेरे को फला की बुराई करने की इच्छा हो रही है, जेलेसी हो रही है, ईर्ष्या हो रही है, लिखो क्यों हो रही है, पढ़ो जिन मांडी अब स्वरूप समझने पर, ओ हमें क्या मालूम था इतना बड़ा घाटा, हाँ उत्तम समझ ले छुट्टी हो गई। इसका नाम है पुरुषार्थ, इसका नाम है इच्छा नहीं उत्पन्न हो इसके लिए स्वाध्याय करो, लिखा है भाई इसमें स्वाध्याय करना भी तप है, पढ़ा था ना लिखा ने, हाँ स्वाध्याय परमम तपा, और इसमें लिखा है रत्नगर साहब का जाज में, शास्त्र पढ़ना, प्रकाशन कराना, उद्योग कराना, पाठशाला खुलवाना, ये सब तप है, परम तप है, इस तरह स्वाध्याय करना, और कोई नहीं समझ में आया तो पूछना, ओवर हो गया टाइम।